Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine at your place. Myself, Akruti Parikh, your art and craft teacher. I think you all are excited for drawing and craft exam, hai na? So, main yahan par aapko thodi si instruction dene wali hoon ki aapko drawing aur craft mein kya karna hai, okay? To sabse pehle baat karenge hum drawing ki. Drawing ke liye aapko WhatsApp pe ek photo aaya hoga. आपको वो फोटो की प्रिंट आउट निकालनी है, जैसे बाकी सारे पेपर्स की आप प्रिंट आउट निकालते हो, वैसे ही ये फोटो की भी आपको प्रिंट आउट निकालनी है और वही प्रिंट आउट में आपको उसमें कलरिंग करना है, ओके? आपको क्रेयॉन्स कलर यूज कर सकते हो, पेंसिल कलर, ऑयल पेस्टल कलर यूज कर सकते हो, बट आपको वाटर कलर यूज नहीं करना है स्टूडेंट्स, ओके? और वो ड्रॉइंग के पीछे की साइड यू हैव टू राइट योर फुल नेम, क्लास, डिवीजन एंड रोल नंबर, ओके? सो एकदम अच्छे से कलरिंग करना है, बिल्कुल भी पेपर गंदा नहीं हो उसका ध्यान रखना है आपको, ओके? तो ये ड्राइंग का पेपर हमारा हो गया. अभी हम बात करेंगे क्राफ्ट की. क्राफ्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको दो टॉपिक दिए हुए हैं. फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है बेबी पेंगुइन और जो सेकेंड वाला टॉपिक है वो है सनफ्लावर. तो फर्स्ट हम बात करेंगे बेबी पेंगुइन की. बेबी पेंगुइन के लिए क्या करना है, आपको कलरफुल पेपर लेना है जिसको हम क्राफ्ट पेपर बोलते हैं. वो क्राफ्ट पेपर से आपको पेंगुइन बनाना है पेपर फोल्डिंग करके, ओके? और उसके बाद वो पेंगुइन को आपको A4 साइज ड्राइंग शीट शॉप में से लेना है और वो वाइट ड्राइंग शीट में आपको वो पेंगुइन पेस्ट करना है और पेंगुइन के रिलेटेड आपको पूरा बैकग्राउंड ड्रॉ करना है. सपोज पेंगुइन स्नो में रहता है तो आपको नीचे स्नो ड्रॉ कर सकते हो, पानी ड्रॉ कर सकते हो, उसको डेकोरेट कर सकते हो. वो आपको जैसे भी डेकोरेट करना है उसको आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, ओके? और सेकंड जो क्राफ्ट है वो है हमारा सनफ्लावर. सनफ्लावर के लिए आपको क्या करना है, पेपर से ही सनफ्लावर बनाना है आपको. बट सनफ्लावर बनाने के बाद आपको पेंसिल से नीचे उसकी डंडी, लीव, पूरा गार्डन का सीन है तो वहाँ पर फ्लावर, बटरफ्लाइज आप ड्रॉ कर सकते हो, हनी भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको इजी क्या रहेगा कि आप सबसे पहले पेंसिल से वो पूरी चीज़ जो आपको ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कर लो, यानी कि स्टैम्प, लीफ, फ्लावर, बटरफ्लाई, सारी चीज़ें ड्रॉ कर दो, उसको ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर कर दो और फिर उसमें कलरिंग भी आप कर सकते हो. ये पूरा चीज़ ख़त्म होने के बाद लास्ट में आप पेपर से सनफ्लावर कटिंग करो और वहाँ पर आप सनफ्लावर पेस्ट कर सकते हो. जैसे आपकी पेपर की साइज है वैसे आपको सनफ्लावर एडजस्ट करना है. आप दो सनफ्लावर बनाओ, तीन सनफ्लावर बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पेपर में कितनी जगह है और आपने कितनी बड़ी साइज का सनफ्लावर बनाया है, ओके? स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर भी ड्राइंग में किया था वैसे ही सेम क्राफ्ट के पेपर के पीछे की साइड भी आपको अपना नेम, क्लास, रोल नंबर और डिवीजन, ये चीज़ें प्रॉपरली अच्छे से फिल करना है और बिल्कुल भी पेपर गंदा नहीं हो उसका ध्यान रखना है. फेविकॉल थोड़ा सा ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा फेविकॉल यूज़ नहीं करना है. अच्छे से वो पूरा ड्राइंग पेस्ट हो जाए उसका आपको ध्यान रखना है और नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड भी आपको करना है, बिल्कुल भी पेपर वाइट स्पेस में छोड़ना नहीं है, ओके? और दोनों ड्राइंग यानी कि ड्राइंग और क्राफ्ट दोनों पेपर आपको संभाल के रखना है. जो फर्स्ट वाला होगा वो ड्राइंग और सेकंड वाला जो है वो क्राफ्ट, दोनों पेपर आपको स्टेपलर करके आपके पास ही रखना है, ओके स्टूडेंट्स? सो एकदम अच्छे से क्राफ्ट करना और पेपर बिल्कुल गंदा नहीं हो उसका ध्यान रखना, ओके? सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.